तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में ना आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल विनीत और सबसे पहले तो उन लोगों को स्वागत करता हूँ जो लोग गए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, गैस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि मैं इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होते हैं गैस मैं उसी के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग फोकस करना कि आज गैस मैं आउटडोर शूट करने के लिए आया हूँ और एक पेड़ के नीचे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गैस आप लोग देख सकते हो यहाँ का वातावरण, चारों ओर यहाँ पे हरियाली छाया हुआ है और दोस्तों बादल भी छाया हुआ है और पानी आने का टारगेट कर रहे हैं। तो गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं ओप्पो कंपनी का एक अपकमिंग फोन लेकर आ चुका हूँ। इस फोन का नाम है दोस्तों ओप्पो A77S। और गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यह फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, यह फोन दोस्तों अभी लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यह मार्केट में आने से पहले, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होने से पहले इनका फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसके अंदर में ना क्वालिटी कैसे होगा, बैटरी पावर कैसे होगा, कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले, बहुत सारा फोन के अंदर में भी फीचर्स होता है, सब कुछ गैच आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो गैच यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए गैच वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले बात करूंगा मैं इस फोन का वजन के बारे में, वेट के बारे में। तो गैच इस फोन का ओप्पो A77S का वजन की बात करेंगे ना तो 187 ग्राम पर देखने को मिलेगा, मतलब आप सभी लोग अपने हाथों में बड़ी कंफर्टेबल पकड़ सकते हैं। अभी 2022 के अंदर में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस हुआ है ना उसके अंदर में लगभग सभी के सभी फोन के अंदर में OS की बात करेंगे ना तो एंड्रॉइड 12 वर्जन देखने को मिलेगा। और गैच यहाँ पे आप सब लोग फोकस करना कि अभी आने वाला है 2023 और 2023 के अंदर में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होंगे उसके अंदर में एंड्रॉइड 13 वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले फीचर के बारे में। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, इसके अंदर में जो डिस्प्ले बना हुआ है ना, या गैच आप सभी लोगों को LCD एंड IPS से बना हुआ देखने को मिलेगा। और इनकी साइज की बात करेंगे तो 6x57 इंचेस का देखने को मिलेगा। और गैच मेन बात यहाँ पर है कि इसके अंदर में ना गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसके अंदर में क्वालिटी की बात करेंगे ना तो 4K की क्वालिटी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन के अंदर में सबसे घटिया फीचर मुझे यह लगा जो कि गैच रिजोल्यूशन के बारे में। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, जैसे कि नॉर्मल फोन के अंदर में 1080 से लेकर 2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन गैच इस फोन के अंदर में ना रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो बहुत ही डाउन देखने को मिलेगा। इसके अंदर में 720 से लेकर 1612 पिक्सल का अवेलेबल कर दिया है, मतलब दोस्तों बहुत ही डाउन है। दोस्तों इंडिया में जितने सारे फोन लॉन्च होता है ना वह दोस्तों 2 या 4 ब्रांड में लॉन्च होता है, लेकिन यह फोन केवल एक ही ब्रांड में लॉन्च हुआ है। और इसके अंदर में मेमोरी पावर की बात करेंगे ना तो 8GB रैम है और 128GB इनका इंटरनल स्टोरेज है। तो गैच आप सभी लोग इस फोन को लेना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ब्रांड में देखने को मिलेगा। दोस्तों फोन के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कैमरा क्वालिटी, मतलब कैमरा फीचर्स। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ओप्पो A77S इसके अंदर में कैमरा फीचर की बात करेंगे, कैमरा सेटअप की बात करेंगे ना तो इसके अंदर में टोटल कैमरा 3 देखने को मिलेगा, जो कि गैच बैक साइड में डबल कैमरा है और इनका सेल्फी कैमरा 1 है। चलिए बात करते हैं इनका ओल्ड कैमरा का क्वालिटी के बारे में, मेगापिक्सल के बारे में। गैच यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना, इनका बैक साइड का जो मेन कैमरा है ना इनके अंदर में तो क्वालिटी देखने को मिलेगा, इसके बैक साइड में 15MP का मतलब 50 मेगापिक्सल का अवेलेबल कर दिया है। और इसके नीचे में एक छोटा कैमरा देखने को मिलेगा, जिनकी क्वालिटी की बात करेंगे ना तो सभी लोगों को 2MP का देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे इस फोन का सामने वाला कैमरा, सेल्फी कैमरा की क्वालिटी के बारे में। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, इनका सामने वाला 8MP का देखने को मिलेगा, मतलब गैच आप सभी लोग ना इनका सेल्फी कैमरा से फुल HD+ में सेल्फी ले सकते हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, मतलब बादल छाया हुआ है, पानी आने का टारगेट कर रहा है। चलिए गैच बात करते हैं इस फोन का बैटरी पावर के बारे में। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि बहुत सारे लोग ना 5000mAh का, जिस फोन के अंदर में 5000 बैटरी पावर हो उस फोन को लेना चाहते हैं, लेकिन गैच पता नहीं चलता है कि कौन से फोन के अंदर में 5000mAh है और कौन सा फोन के अंदर में 6000mAh है।
तो गैज इस फोन के अंदर में 5000 एमएच का एक बड़ा साइज का बिग बैटरी देखने को मिलेगा और साथ में आप सभी लोगों को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग अवेलेबल कर दिया है। इसकी मदद से आप सभी लोग सिर्फ गैज आप सभी लोग 45 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो इस फोन को। और दोस्तों आप सभी लोगों को इस फोन के अंदर में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फेस लॉक देखने को मिलेगा, पैटर्न लॉक देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इस फोन का ब्लूटूथ वर्जन के बारे में, तो इस फोन के अंदर में आप सभी लोगों को 5 देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पे आप लोग ध्यान देना, इसके अंदर में जीपीएस का ऑप्शन को यस कर दिया है और उसके बदले में रेडियो का ऑप्शन को नो कर दिया है। मतलब आप सभी लोग ना इस फोन के अंदर में रेडियो नहीं सुन सकते और इसके अंदर में एक बेस्ट स्पीकर बेसिंग वाला देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को या ओप्पो कंपनी का नया स्मार्टफोन ओप्पो A77s का ऑल फीचर्स अच्छे समझ में आ गया होगा। तो गैज मैं हूँ टेक्निकल विनीत, आप सभी लोगों के लिए मैं इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होते हैं उसी के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। और दोस्तों आप सभी लोगों को इसी जगह पर और वीडियो चाहिए ना, तो इस वीडियो को वाल लाइक कर देना। एंड चलिए गैज मिलता हूँ सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।